20 से भी ज्यादा एमिनिटीज के साथ 1, 2 और 3 BHK अवेलेबल है। शहर के बीचों बीच बन रही DZ सिटी, बुकिंग चालू है और DZ सिटी का काम भी तेजी से चालू है। राउंड प्लस 2 कमर्शियल और मुमरा के सेंटर पॉइंट के साथ DZ सिटी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनता है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें या उनकी सेल्स ऑफिस विजिट करें। अपने ही पास काम करने वाले व्यक्ति के साथ GP बिल्डर ने की ठगी, घर खाली कराने के लिए गुंडे भी भेजे, पीड़ित का आरोप। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शील टाइगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत खल्डी रोड पर एक अमीना अपार्टमेंट नामक एक अवैध इमारत जीपी बिल्डर दिलशाद अंसारी द्वारा बनाई गई है और इन्हीं दिलशाद अंसारी के पास अफजल खत्री नाम का व्यक्ति काम भी करता था और एक लंबे अरसे से जुड़ा हुआ था। तो तनख्वाह और फिर खुद भी कुछ पैसे वगैरह इकट्ठा करके अफजल खत्री का कहना है कि उसने एक छोटा सा कमरा जो है दिलशाद अंसारी से लिया था, लेकिन दिलशाद अंसारी ने सबसे पहले तो उसका बैंक का सिविल खराब किया और उसके बाद जो है ये जो कमरा उसने लिया था 250 स्क्वायर फीट का, वो भी उस पर खाली करने के लिए दबाव बनाने लगा। इतना ही नहीं, पुलिस के नाम पर गुंडे भी भेजे। किस तरह से पूरा मामला है, पीड़ित अफजल खत्री जो है इनकी बातें हम आपको सुना रहे हैं और उनके आरोप बता रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में थाने पुलिस आयुक्त और थाने मनपा दीवा प्रभाग समिति इन सभी जगहों पर लिखित शिकायतें भी की है। क्या नाम है भाई आप? अफजल मोहम्मद हुसैन खत्री। अफजल भाई, आपने अभी हमें बताया कुछ आपके साथ ठगी हुई है, कोई बिल्डर ने आपके साथ ठग किया है, तो क्या पूरा मामला है, कहां पर ठग किया है, क्या नाम है बिल्डर का और क्या हुआ था? ये बिल्डर का नाम है दिलशाद अंसारी, ये खड्डी रोड है, ये अमीना हाइट बिल्डिंग का नाम है, थर्ड फ्लोर की बिल्डिंग है, इसके अंदर सेकेंड फ्लोर पर रूम नंबर 204 में मैं रहता हूँ और इसके अंदर ये मेरे से आज 4 साल पहले की बात है। वो 4 साल के अंदर ये थोड़ा थोड़ा पैसा कुछ मेरे से लेके इसकी मेरी कुछ बातचीत हुई थी कि भाई मैं थोड़ा थोड़ा पैसा देता हूँ तो ये रूम मेरे को दे देना। उस एवज के ऊपर इसने बोला था ठीक है, बोले तुम मेरे को थोड़ा थोड़ा देना, मैं तुमको रूम दे दूंगा। और मैं तोरण पावर में काम करता था उस टाइम पे, तो इसने बोला कि तुम मेरी बिल्डिंग के अंदर भी काम कर, तुमको और पैसा मैं दूंगा। 15,000 रुपये महीना सैलरी के हिसाब से बांध के उसने कुछ महीने का मेंटेनेंस के हिसाब से मुझे कुछ पैसा आता था, 4-5 हज़ार रुपया वो मैं लेता था, मेरे घर के अंदर चलता था। अब मैं इसको बोलता था जब भी मेरे को 15,000 रुपये नहीं मिलता है तो बोला नहीं मैं हूँ ना मैं दे दूंगा। फिर उसके बाद में इसने मुझे नहीं दिया। फिर उसके बाद में मेरे को ये बोला कि भाई मैं तुमको रूम करके देता हूँ, मैं तुमको एग्रीमेंट देता हूँ, रूम तुम्हारा हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे रूम का एग्रीमेंट मैंने कुछ टाइम की बात है, यह आज से समझ लो 6 महीना पहले की बात है, जब भी मैंने उसको बोला मेरे को रूम का एग्रीमेंट पेपर दे दे तो ये एग्रीमेंट पेपर नहीं दिया। फिर मैंने उसको बोला मेरे को एग्रीमेंट पेपर दे दे तो बोला मैं दे दूंगा ना, मैं कहाँ भाग के जा रहा हूँ यार, मैं तो इधर ही हूँ। फिर बोला ठीक है, फिर मैं बोला ये रूम का एग्रीमेंट पेपर नहीं देने वाला था। फिर मेरे समझ में आया, फिर कुछ लोगों की बातें मेरे समझ में आई कि भाई इसने 4.5 लाख रुपये लिया तो उसका भी उसने पैसा नहीं दिया और ना उसको पेपर दिया। आपके साथ कितना पैसा लिया? मेरे साथ में उसने 6,65,000-64,000 रुपये उसने लिया है, 4,64,000 रुपये उसने लिया। कुछ पैसे में ऐसा है जो 10,000 करके मैंने तो कैसे दिए थे, मतलब आपने पेमेंट कैसे की? उसको 10,000 रुपये कभी दिया और कभी 15,000 रुपये दिया। नहीं, ये जो 4,64,000 रुपये ये आपने कैसे दिया? 4 साल तक के मैंने इसको देता आया, कैश में दिया या बैंक में? कैश में, 4 साल आते हुए। और मेरे अंदर जो मेरा सिविल था, जब मेरा अकाउंट मेरे बैंक के ऐसे जो चलता था, जो तोरण पावर में मैं काम करता था, तोरण पावर की मेरे पास स्लिप आती थी, जो पगार मेरे को तोरण पावर से मिलती थी, तो वो पगार के सिलसिले से इसने मेरे को जब वहाँ से मेरे को काम छोड़ने के लिए मजबूर कराया। मैंने वहाँ से काम छोड़ने के बाद इसको मैंने बोला कि भाई ये सिविल अकाउंट मेरा ख़राब हो गया, तूने यहाँ पर किसी को AC दिलाया, किसी को गाड़ी दिलाया, तो ये मेरा सिविल सही करके दे। तो ये बोला मैं तेरा सिविल ब्लैक लिस्ट पर चला गया, उसको मैं सही नहीं कर सकता हूँ, अभी तेरे को जो करना तू कर ले और ये रूम मेरा खाली करके दे, और इसका जो पैसा है तेरा जो बाकी है वो मैं देने वाला नहीं हूँ, ना तूने मेरे को कुछ दिया है। वो सीधा क्या नाम है बिल्डर का? दिलशाद अंसारी नाम है बिल्डर का। अच्छा, फिर आपने कुछ पत्र व्यवहार किया था क्या? पत्र व्यवहार किया मैंने जाके पुलिस चौकी पे, जब इसने मेरे साथ में 2 आदमियों को भेजा मेरे घर के ऊपर, मैं वहाँ पर गया था ड्यूटी पे काम करने के लिए, तो वहाँ पर जाके आने के बाद में मैंने उसको बोला, मैं बोला तुमने क्यों भेजा लोगों को वहाँ पर, तो बोले मेरा घर लोग ने आके डंडा लेके, वो बोले हम पुलिस वाले करके,
लेकिन वो पुलिस वाले नहीं थे, तो वो लोग ने बोला तो उनको झूठ बोल के पुलिस वाले करके डंडे से दरवाजे को ठोक के डंडे से सामान अमन को गिरा के एक दो डंडा बच्चे को लगा वहाँ पर। हम लोग ने उसको चिल्लाया डांटी दिए तो वो भागा नीचे, वो बोलता चल नीचे चल दिशा पर तेरे को बुलाया। और यहाँ पर आके बिल्डिंग के सामने फुटेज के अंदर उसके फुटेज है, यहाँ पर वो बिल्डिंग के यहाँ आके हमारे साथ तो दुनिया की दादागिरी नीचे किया और ऊपर आदमियों को बेच के हमारे घर के सामान को तोड़ फोड़ किया। अच्छा, तो अभी आपने डाइगर पुलिस स्टेशन में और दीवा प्रभाग समिति में भी अर्जी दी है? अर्जी दिया। हाँ, तो क्या आश्वासन दिया गया आप? मेरे को अभी आश्वासन दिए कि बोले तुम्हारा अर्जी हो गया है, हम तुमको बुलाएंगे स्टेटमेंट के लिए, तब हम उसके ऊपर FIR दर्ज कराएंगे। जब तक कि हम कुछ नहीं, जब तक मैं बैठा उनके इंतजार में कि कब बुलाते हैं डाइगर पुलिस चौकी वाले। अच्छा, पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे आप इस मामले को लेकर? पुलिस प्रशासन से मैं अपील करना चाहूँगा कि ये लोग बड़े मेहरबानी हमारा ये काम करा के दिए, खूब गरीब लोगों की जो ये लोग ऐसा जो ढज्जिया उड़ा रहे, जो लोगों का खा रहे, जो लूट रहे लोगों को, यहाँ पे जो गुंडागिरी कर रहे, उनके लिए कुछ पुलिस प्रशासन मतलब उसके लिए कुछ करे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे उसके ऊपर, उसको यहाँ से भगाने की कोशिश करे। ये बुमराह के लिए अपने लिए नासूर है ये सब चीज़ें।